जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत की मिसाइल क्षमता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। आकाश एक शॉर्ट रेंज वाली सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी पर मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से खत्म किया जा सकता है। एक वक्त विदेशों से आयात होने वाले रक्षा उत्पादों में इस तरह का मिसाइल सिस्टम प्रमुख हुआ करता था। हालांकि अब इस तरह के हथियारों को देश में ही तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन लगातार निराधार बयानबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ भारत चीन को जवाब देने के लिए एक के बाद एक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने आकाश मिसाइल सिस्टम का एक वीडियो शेयर कर चीन को घुटने पर ला दिया। दोस्तों, अब इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मिसाइल सिस्टम से बाहर निकलती है और टारगेट पर सीधा निशाना लगाती है। अब थोड़ा और आगे वीडियो में जाए तो इसमें साफ दिख रहा कि सेना के वाहन के जरिए मिसाइल सिस्टम को समुद्र तट के किनारे लाया जाता है, फिर एक छोटे से मानव रहित विमान को उड़ाया जाता है। इसके बाद मिसाइल उसे नष्ट करने के लिए लॉन्च होती है। इसके आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल विमान को बड़ी आसानी से हवा में ही मारकर बिखेर देती है। विमान के तबाह होने के बाद उसमें से धुआं निकलते भी दिखाई देता है। वीडियो को लेकर कहा गया है कि भारतीय सेना की नजर से कोई भी चीज नहीं बच सकती, फिर वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। दोस्तों, वैसे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना ने यह मिसाइल तब दागी जब चीन की सेना लद्दाख की सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास करने में जुटी है। लेकिन अब भारतीय सेना ने मिसाइल से टारगेट पर हमला करके बता दिया कि चीन ने बॉर्डर पर अगर हिमाकत की तो उसे ऐसे ही जवाब मिलेगा। अब इस खतरनाक आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। इस मिसाइल को सेना और वायुसेना दोनों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। सीमा पर तनाव के बीच और आसमानी खतरों से निपटने के लिए मिसाइल को काफी कारगर माना जा रहा है। यह नई आकाश मिसाइल लक्ष्य भेदने में अचूक रही है। परीक्षण के दौरान इसने हर मानक पर अपनी कार्यक्षमता सिद्ध की है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। यह 2.5 मैक की सुपरसोनिक की स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और यूएवी को मार गिराने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम की टारगेट को खत्म करने की क्षमता 88% है, जिसे 98.5% तक किया जा सकता है। मिसाइल सिस्टम में लॉन्चर, मिसाइल कंट्रोल सेंटर, एक इंटीग्रल मिशन गाइडेंस सिस्टम, एक मल्टीफंक्शनल फायर कंट्रोल रडार, एक आर्मिंग एंड एक्सप्लोजन सिस्टम और डिजिटल ऑटो पायलट जैसी चीजें लगी हुई है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन अब दुश्मन की एक भी गलती का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। और अब जब एक बार फिर से आकाश मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई है, तब भारत के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। हिंदुस्तान की मिसाइल से दुश्मन थरथर कांप रहा है और यह बात साफ है कि अगर दुश्मन ने छेड़ा तो दुश्मन की अब खैर नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।